हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर 9 कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि है स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंचमेंट इन फूड प्रोडक्शन। आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। कल हमने ये पढ़ा था कि अलग अलग ब्रीड्स को डेवलप किया गया जो कि डिजीज रेजिस्टेंट थी, यानी उनमें डिजीज डेवलप नहीं हो रहा था। आज हम पढ़ रहे हैं कि क्या मेथड है किसी भी ब्रीड को डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप करने का। स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाज्म फॉर रेजिस्टेंट सोर्सेज, किसकी स्क्रीनिंग? जर्म प्लाज्म की स्क्रीनिंग किसके लिए? जो भी रेजिस्टेंट सोर्सेज हैं उनके लिए। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट, सेलेक्टेड पेरेंट का हाइब्रिडाइजेशन, ये अपन ने कल भी देखा था। हाइब्रिडाइजेशन यानी उनका आपस में मिक्सिंग, यानी दोनों ब्रीड का आपस में क्रॉस। सेलेक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइब्रिड्स, हाइब्रिड्स बनने के बाद, न्यू प्रोजेनी बनने के बाद उनका सेलेक्शन और इवोल्यूशन, टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज, उसके बाद टेस्टीज के वो वेराइटीज जो बनी है वो अच्छे से बन गई है या नहीं, और उसके बाद उनका रिलीज इन द मार्केट। अब जो वेराइटीज डिजीज रेजिस्टेंट बनाई गई है उनके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। इस टेबल को आपको अच्छे से लर्न करना है क्योंकि कई बार ये पूरी टेबल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम्स में। जैसे कि क्रॉप क्या है? वीट। उसकी वेराइटी है हिमगिरी, जो कि किस डिजीज से रेजिस्टेंस बनाई गई? लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट और हिल बर्नट, ये डिजीज के नेम्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये पूरी टेबल दे दी, इनमें से कोई एक नेम जो है उस पर क्वेश्चन मार्क करके दे दिया और वो आपको बताना है, तो इसीलिए आपको ये टेबल अच्छे से लर्न करनी है। नेक्स्ट है ब्रेसिका, यानी क्या होती है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस? किसका नेम होता है? सरसों का या फिर मस्टर्ड का। वेराइटी कौन सी है? पूसा स्वर्णिम। और कौन से डिजीज से रेजिस्टेंस बनाया गया है? इसे वाइट रस्ट। नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर, पूसा शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल K1, ये इसकी वेराइटी है दो। जिसको किस डिजीज से रेजिस्टेंस बनाया गया? ब्लैक रोट और कर्ल ब्लाइट ब्लैक रोट, दो तरह की डिजीज थी, उनसे रेजिस्टेंस इस वेराइटी को डेवलप किया गया। काउपी, पूसा कोमल बैक्टीरियल ब्लाइट, चिली पूसा सदाबहार, चिली मोजेक वायरस, टोबेको मोजेक वायरस और लीफ कर्ल। लीफ कर्ल का आपको पता ही चल रहा है कि जो लीव्स होंगी प्लांट की वो कैसी हो जाएगी? एक कर्ल हो जाएगी। ऐसे ये दो भी हैं जो वायरल डिजीजेस हैं। ऐसे ये सारी डिजीजेस से रेजिस्टेंस इन सारे प्लांट्स को डेवलप किया गया या इन सारी क्रॉप्स को डेवलप किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा म्यूटेशन ब्रीडिंग। कन्वेंशनल ब्रीडिंग इज ऑफन कंस्ट्रेंड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस जीन्स दैट आर प्रेजेंट एंड आइडेंटिफाई इन वेरियस क्रॉप वेराइटीज और वाइल्ड रिलेटिव्स। कन्वेंशनल ब्रीडिंग क्या होती है उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। किसकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करती है? लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस जीन, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वेरियस क्रॉप्स वेराइटीज में। इंड्यूसिंग म्यूटेशन इन प्लांट थ्रू डाइवर्स मीन्स एंड देन स्क्रीनिंग द प्लांट मटीरियल फॉर रेजिस्टेंस। उसके बाद क्या करते हैं? म्यूटेशन को इंड्यूस करवाते हैं प्लांट्स में, जिससे कि क्या होता है, स्क्रीनिंग होती है प्लांट मटेरियल की किसके लिए? डिजीज रेजिस्टेंस बनाने के लिए। समटाइम्स लीड्स टू डिजायरेबल जीन्स बीइंग आइडेंटिफाइड। इससे क्या होता है, म्यूटेशन इंड्यूस करवाने से कई बार क्या होता है कि जो डिजायरेबल जीन्स है उनका भी आइडेंटिफिकेशन इजीली हो जाता है। म्यूटेशन, क्योंकि जब हम म्यूटेशन इंड्यूस कराएंगे, म्यूटेशन में आप लोगों को पहले पढ़ा चुकी हूँ क्या होता है, तो म्यूटेशन जब हम इंड्यूस कराएंगे तो सारे जीन्स की स्टडी होगी, तो वो जब सारे जीन्स की स्टडी होती है तो हमें ये अच्छे तरह से पता चल जाता है कि कौन सा जीन हमारे लिए काम का है और किस जीन का म्यूट होना नेसेसरी है। म्यूटेशन इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशन आर क्रिएटेड थ्रू चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस विद इन जीन्स रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ अ न्यू कैरेक्टर और ट्रेट नॉट फाउंड इन द पेरेंटल टाइप। म्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जेनेटिक वेरिएशन डेवलप किए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले जेनेटिक चैप्टर में भी पढ़ाया है कि किसमें चेंज होता है, नाइट्रोजिनस बेस के सीक्वेंस में, और नाइट्रोजिनस बेस के सीक्वेंस में चेंज होने से म्यूटेशन डेवलप होता है। और क्या होता है कि न्यू कैरेक्टर डेवलप होता है किसी भी स्पीशीज में जो कि पेरेंटल टाइप में प्रेजेंट नहीं होता। इंड्यूसिंग म्यूटेशंस आर्टिफिशियली थ्रू यूज ऑफ केमिकल्स और रेडिएशन एंड सेलेक्टिंग एंड यूजिंग द प्लांट्स दैट हैव द डिजायरेबल कैरेक्टर एज अ सोर्स इन ब्रीडिंग। मेथड्स में क्या है, सबसे पहले म्यूटेशन को इंड्यूस करवाया जाता है आर्टिफिशियली, किसके थ्रू? केमिकल या रेडिएशन के थ्रू। फिर क्या किया जाता है, उन प्लांट्स को सेलेक्ट किया जाता है किसके लिए, क्योंकि उनमें वो डिजायरेबल कैरेक्टर प्रेजेंट है जो कि हमें हमारे ब्रीडिंग के लिए नेसेसरी होता है।
और उसके बाद उन्हें एज अ सोर्स इन ब्रीडिंग यूज किया जाता है, यानी एज अ पेरेंट यूज किया जाता है उन प्लांट्स को, जिससे कि ब्रीडिंग अच्छे से हो सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूटेशन ब्रीडिंग। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? म्यूटेशन ब्रीडिंग, यानी पहले हमें जो कैरेक्टर नहीं चाहिए उसे म्यूट कर दिया गया, उसके बाद और जो डिजायरेबल कैरेक्टर है उसके अंदर, उस प्लांट के अंदर वो डिजायरेबल कैरेक्टर एज इट इज रहेंगे, फिर उस प्लांट को क्या करेंगे हम ब्रीडिंग के लिए यूज करेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? म्यूटेशन ब्रीडिंग। एग्जांपल क्या है? इन मूंग बीन रेजिस्टेंस टू येलो मोजेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू वर इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशन। मूंग बीन जो होते हैं उनके अंदर क्या किया गया, मूंग के बारे में आप सब जानते हैं, मूंग जो होता है उसके अंदर क्या किया गया, उसे येलो मोजेक वायरस से रेजिस्टेंस बनाया गया, किसके थ्रू? म्यूटेशन इंड्यूस करवा के। एक तो येलो मोजेक वायरस के लिए और एक पाउडरी मिल्ड्यू जो डिजीज है, दोनों टाइप की डिजीज के लिए उसे क्या कर बनाया गया, रेजिस्टेंस बनाया गया। सेकेंड, रेजिस्टेंस टू येलो मोजेक वायरस इन भिंडी। सेकेंड क्या बनाया गया? भिंडी को किसके लिए रेजिस्टेंस बनाया गया? येलो मोजेक वायरस के लिए। नेम क्या है भिंडी का? एबेलमोस्ट्यूसिस क्यूलेंटस वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ वाइल्ड स्पीशीज एंड रिजल्टेड अ न्यू वेराइटी ऑफ एस्क्यूलेंटस एंड परभानी क्रांति। न्यू वेराइटी कौन सी डेवलप हुई? एस्क्यूलेंटस और परभानी क्रांति, ये नई वेराइटीज को डेवलप किया गया, जो ये पुरानी वेराइटी है उसमें रेजिस्टेंस डेवलप करके। ये मूंग बीन का डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, जिसको येलो मोजेक वायरस से रेजिस्टेंट बनाया गया। नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। जो इंसेक्ट पेस्ट है उनसे रेजिस्टेंट बनाने के लिए जो प्लांट ब्रीडिंग हुई उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इंसेक्ट रेजिस्टेंट इन होस्ट क्रॉप इज ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सम कैरेक्टर्स मेक द प्लांट्स रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट आर हेयरी लीव्स इन सेवरल प्लांट्स मेक देम रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। यानी हमें जो कैरेक्टर डेवलप करने हैं किसी प्लांट पे उनके बारे में हमें पढ़ना है, जिससे कि प्लांट ऑटोमेटिकली डिजीज से रेजिस्टेंट हो जाए। तो सबसे पहले उनकी लीव्स का हेयरी होना क्या होता है, उनको क्या बनाता है? रेजिस्टेंट बनाता है इंसेक्ट पेस्ट से। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेम इन वीट लीड टू नॉन प्रेफरेंस बाय स्टेम सॉफ्लाई। जो सॉफ्लाई होती है वो क्या करती है, जो सॉलिड स्टेम है उसको प्रेफर नहीं करती है, किसमें? वीट में। तो इसीलिए वो बनना चाहिए स्टेम सॉलिड, अगर बन जाए वीट का तो उससे क्या होगा, वो इंसेक्ट पेस्ट से ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंट हो जाएगा। स्मूथ लीव एंड नेक्टर लेस कॉटन वेराइटी डू नॉट अट्रैक्ट बॉल वर्म्स। स्मूथ लीव्स अगर किसी प्लांट की हो या नेक्टरलेस कॉटन वेराइटी, कॉटन की नेक्टरलेस वेराइटी, दोनों ही बॉल वर्म्स को अट्रैक्ट नहीं करती है। तो ये सारे वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर प्लांट में प्रेजेंट हो तो उनमें अपने आप से ही इंसेक्ट पेस्ट के लिए वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे। हाई एस्पार्टिक एसिड लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज मेक देम रेजिस्टेंट टू स्टेम बोरर्स। ये सारे जो फीचर्स हैं वो मेज प्लांट को क्या बनाते हैं, स्टेम बोरर्स से रेजिस्टेंट। स्टेम बोरर वो सारे इंसेक्ट होते हैं जो स्टेम के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, और इंसेक्ट जो स्टेम होता है वो इंसेक्ट क्या करते हैं, उस स्टेम को खराब कर देते हैं पूरा, और क्या उससे क्या हो जाता है, प्लांट पूरा खराब हो जाता है। तो उससे रोकने के लिए प्लांट के अंदर हमें हाई एस्पार्टिक एसिड लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट को डेवलप कराना पड़ता है। पूसा गौरव अ वेराइटी ऑफ ब्रेसिका इज रेजिस्टेंट टू एफिड्स। एफिड्स जो होते हैं उनके लिए, उनसे रेजिस्टेंट है कौन सी वेराइटी? पूसा गौरव। किसकी वेराइटी है ये? मस्टर्ड की। ब्रेसिका मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम है। पूसा सेम 2 एंड पूसा सेम 3 वेराइटी ऑफ फ्लैट बीन आर रेजिस्टेंट टू जेसिड्स एफिड्स एंड फ्रूट बोरर। ये तीनों डिजीज से ये जो वेराइटी है फ्लैट बीन की, ये भी क्या होती है, रेजिस्टेंट होती है। ये फ्लैट बीन का आपको इमेज दे रखा है। पूसा स्वानी एंड पूसा A4 ऑफ ओकरा या भिंडी आर रेजिस्टेंट टू शूट एंड फ्रूट बोरर। ये इन दोनों के लिए से भी रेजिस्टेंट है कौन सी वेराइटी, भिंडी की पूसा स्वानी और पूसा A4 वेराइटी। ये इनकी भी सारी आपको वेराइटीज लर्न करनी है, इनपे भी क्वेश्चन आते हैं।
प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी. प्लांट ब्रीडिंग किसके लिए? फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए. अराउंड 3 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोटीन एंड विटामिन विच इज कॉल्ड हिडन हंगर विच कैन लीड टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीजेज रिड्यूस लाइफ स्पैन रिड्यूस मेंटल एबिलिटी एटसेट्रा. जो 3 मिलियन पीपल है पूरे वर्ल्ड में वो क्या करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी जैसे कि प्रोटीन विटामिन इन सब की डेफिशिएंसी की वजह से उनमें हिडन हंगर डेवलप हो जाता है जिससे कि क्या होता है उनमें डिजीज होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं उनका लाइफ स्पैन रिड्यूस हो जाता है मेंटल एबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है. फूड प्रोडक्शन शुड बी इंक्रीजेस क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली. फूड प्रोडक्शन को क्या किया जाना चाहिए क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों तरह से इंक्रीज करना चाहिए जिससे कि डिजीज डेवलप ना हो. बायोफोर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग क्रॉप्स विच प्रोड्यूस हायर लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन मिनरल प्रोटीन एंड हेल्थियर फैट्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ. पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ऐसी क्रॉप्स की ऐसी ब्रीडिंग करवाना जिससे कि उनमें न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बढ़ जाए इस मेथड को क्या कहा जाता है बायोफोर्टिफिकेशन. बायोफोर्टिफिकेशन इज डन टू इम्प्रूव प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी विटामिन कंटेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट. बायोफोर्टिफिकेशन से क्या होता है कि ये सारी जो क्वालिटी और कंटेंट है उनका डेवलपमेंट हो जाता है किसी भी क्रॉप में या प्लांट में. यानी प्रोटीन का कंटेंट और क्वालिटी बढ़ाई जा सकती है ऑयल कंटेंट बढ़ाया जा सकता है विटामिन बढ़ाया जा सकता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं वो भी बढ़ाए जा सकते हैं या फिर मिनरल भी बढ़ाए जा सकते हैं. एग्जाम्पल हाइब्रिड मेज डेवलप्ड विथ ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन कंपेयर्ड विथ एग्जिस्टिंग मेज. हाइब्रिड मेज जो डेवलप किया गया वो उसके अंदर इन सारे कंपाउंड्स का ट्वाइस था यानी दो गुने ये सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट थे. मेनली क्या थे दोनों एमिनो एसिड कौन कौन से लाइसिन और ट्रिप्टोफेन. वीट वेराइटी एटलस 66 हैविंग हाई प्रोटीन कंटेंट हैज बीन यूज एज डोनर फॉर इम्प्रूविंग कल्टिवेटेड वीट. ईट की जो एटलस 66 वेराइटी थी जिसके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट था उसे यूज किया गया वीट की के कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए यानी वीट की वेराइटी को इम्प्रूव करने के लिए एटलस 66 को एज अ डोनर यूज किया गया. आयरन फोर्टिफाइड राइस डेवलप्ड विथ 5 times मोर देन आयरन कंटेंट देन एग्जिस्टिंग वेराइटी. आयरन फोर्टिफाइड राइस डेवलप किए गए जिसके अंदर आयरन कंटेंट जो एक्सिस्टिंग वेराइटी में था उससे 5 गुना ज्यादा आयरन कंटेंट प्रेजेंट था. इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI हैज डेवलप्ड फॉलोइंग प्लांट्स. IARI ने और भी कुछ प्लांट्स को डेवलप किया जैसे कि विटामिन ए एनरिच कैरेट स्पिनच और पम्पकिन. कैरेट स्पिनच और पम्पकिन को डेवलप किया गया जो कि विटामिन ए एनरिच से. विटामिन सी एनरिच बिटर गॉड होता है आपका करेला जो कि मोस्टली लोगों को पसंद नहीं होता है वो उसे विटामिन सी से एनरिच बनाया गया. बथुआ मस्टर्ड और टोमेटो. आयरन एंड कैल्शियम एनरिच्ड स्पिनच एंड बथुआ. आयरन एंड कैल्शियम से एनरिच स्पिनच और बथुआ डेवलप किए गए. प्रोटीन एनरिच बीन्स लाइक ब्रॉड लबलब फ्रेंच एंड गार्डन पीज. ये सारे बीन्स डेवलप किए गए जिसमें प्रोटीन की जो कंटेंट था वो बहुत ज़्यादा था. तो ऐसे ही IARI ने इतने सारे प्लांट्स को डेवलप किया जिनमें उन्होंने अपने हिसाब से जो न्यूट्रिएंट्स थे उनको उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को क्या किया इम्प्रूव किया जिससे कि पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके. आज के लिए हम पढ़ेंगे इतना ही बाकी का कल.